हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीट बायोलॉजी क्रैकर। टुडे वी विल डू द डायग्रामेटिक स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम। डायग्राम में देखेंगे रेडियल सिमेट्री का डायग्राम दे रखा है। ये रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? ये एनिमल है, इफ व्हेन वी कट ए एनिमल एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एनी एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी, देन दिस सिमेट्री दिस एनिमल इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। इस एनिमल को अपन यहाँ से काटेंगे तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो भी, यहाँ से काटेंगे तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इफ एनिमल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हेन वी फ्रॉम एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी इन एनी प्लेन इन मैनी प्लेन्स देन इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। अब नेक्स्ट डायग्राम बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में अपने को पता है बाइलेटरल सिमेट्री ओनली द एनिमल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ओनली वन एक्सिस। अब इसे आप देखोगे क्रेब को, इसको अपन केवल इसी एक्सिस से टू इक्वल पार्ट में, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और किसी एक्सिस से इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो दिस एनिमल इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब आपको ध्यान रखना है रेडियल सिमेट्री एनिमल्स आर सिलेंट्रे टीनोफोर इकाइनोडर्मेट्स। अब इकाइनोडर्मेट्स में आपको याद रखना है लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल बट अडल्ट इज रेडियल सिमेट्रिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आगे भी देखेंगे अपन। अब एनिमल्स लाइक एनलिड एंड आर्थ्रोपोड्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। उसके बाद आप देखो डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, इफ टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ओनली टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। देखिए ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। इफ थ्री ऑल थ्री जर्म लेयर्स, देखो क्या मेसोडर्म भी प्रेजेंट है इसमें, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और ये बीच में मेसोडर्म भी प्रेजेंट है, तो ये दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब नेक्स्ट सिलोम। सिलोम दैट इज द बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द गट एंड बॉडी वॉल। ये गट है, ये बॉडी वॉल है। दिस कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी। इफ दिस बॉडी कैविटी इज सराउंडेड बाय मेसोडर्म देन इट इज कॉल्ड एज सीलोम, ट्रू सीलोम। अब इसमें अपने को देखना है, अब देख अपन यहाँ से शुरू करते हैं सी से। इसमें देखिए दिस इज गट वॉल, दिस इज बॉडी वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में नो कैविटी इज प्रेजेंट, कोई कैविटी नहीं है, ये फील्ड है बिल्कुल, ये देखिए ये फील्ड है, कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। तो दीज एनिमल्स आर ए सिलोमेट। अब ट्रू सिलोमेट में आप देखोगे सिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट उसमें देखोगे दिस इज गट वॉल, दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज गट वॉल, दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट है एंड इट इज दिस कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म। यहाँ से भी मेसोडर्म से लाइंड है अंदर से, और बाहर से भी आप देखोगे मेसोडर्म से लाइंड है, तो इसको कह देंगे सीलोमेट। अब एक बीच का ऑप्शन आता है स्यूडो सीलोमेट। मेसोडर्म तो प्रेजेंट है बट इट नॉट लाइन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ये बॉडी वॉल और गट वॉल को कवर नहीं करती है। दीज मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज ए स्कैटर्ड पाउच, सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो सीलोमेट में आपको याद रखना है ओनली एस के हेलमिंस आर इंक्लूडेड इन टू द स्यूडो सीलोमेट्स। नेक्स्ट अपन चलेंगे मेटामेरिज्म में। मेटामेरिज्म दैट इज द ट्रू सेगमेंटेशन, बॉडी इज डिवाइडेड इन टू सेगमेंट्स, इक्वल सेगमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दैट इज प्रेजेंट इन एनेलिड, ऑर्थ्रोपोड एंड कोर्डेट, ऑर्थ्रोपोड एंड कोर्डेट्स भी आपको याद रखना है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं अपन।
अब देखो यहाँ स्पष्ट दे रखा है, इकाइनोडर्माटा एग्जिबिट बोथ लेट रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। इफ लार्वा है इकाइनोडर्मेटा, दैट इज लार्वा इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल बट अडल्ट इज रेडियल सिमेट्रिकल। अब अपन नेक्स्ट फर्स्ट फाइलम शुरू करेंगे, पोरीफेरा एनिमल किंगडम। फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा बिकॉज प्रोटोजोआ इज इंक्लूडेड इन टू द प्लांट किंगडम, अपन ने पढ़ा था प्रोटिस्टा में। अब अपने को देखने हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरी मतलब पोर, फेरा मतलब बीयरिंग, पोरीफेरा मतलब पोर बीयरिंग ऑर्गेनिजम्स। ये देखिए पोर बीयरिंग एनिमल्स, देखो पोर प्रजेंट है इनकी बॉडी में, छोटे छोटे पोर प्रजेंट है, इन पोर बीयरिंग एनिमल्स हैं, इनको कह दिया पोरीफेरा। और इन पोर्स को कहते हैं ओस्टिया, ओस्टिया पोर्स को कहते हैं। तो इसमें आप डायग्राम से शुरू करेंगे, फर्स्ट डायग्राम साइकन का है, ये साइकन का आप डायग्राम देख रहे हो, ये ऊपर एक लार्ज पोर प्रेजेंट है, ओस्कुलम कहते हैं, पूरी बॉडी में माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज ओस्टिया, ओस्टिया। अब इस साइकन के कंप्लीट डायग्राम अगर देखें, देखो कैसे दिखते हैं कंप्लीट डायग्राम, ध्यान से देखिए। हाँ दीज आर द स्मॉल पोर्स, यहाँ से वाटर ऐसे अंदर जा रहा है, ये जो स्मॉल पोर्स हैं दीज आर ओस्टिया। उसके बाद में देखें ये कैविटी प्रेजेंट है, ये कैविटी प्रेजेंट है, इसको कह देंगे पैरा गैस्ट्रिक कैविटी। इस कैविटी में वाटर आएगा एच, और वाटर यहाँ से आके यहाँ से बाहर जाएगा, दिस इज लार्ज पोर इज लार्ज सिंगल पोर इज कॉल्ड एज ओस्कुलम, दिस स्मॉल माइन्यूट पोर्स आर कॉल्ड एज पोर्स आर कॉल्ड एज ओस्टिया। ये देखिए ये छोटे छोटे पोर्स हैं जो ओस्टिया है, और ये लार्ज पोर जिससे वाटर बाहर जाएगा एग्जिट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ओस्कुलम। अब इसमें आप देखो ये आउटर जर्म लेयर इज प्रेजेंट एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से बनी है, ये क्या है एपिडर्मिस, और ये अंदर की तरफ जो जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। अब इसमें काम की बात क्या है, देखो इस सेल को बड़ा करके दिखाता हूँ मैं, ये सेल है जो ये इस तरह से सेल है, इस तरह से जो सेल है इसमें ये दिस फ्लेजिलाज प्रेजेंट है, इन सेल को कहते हैं कोलर सेल, कोलर सेल, कोलर सेल और कोइनो फ्लेजिलेट। तो कोलर सेल और कोइनो फ्लेजिलेट इज स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस पोरीफेरा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट इज डायग्राम ऑफ, अब ये और ये डायग्राम है, ठीक है, ये जो बी डायग्राम दे रखा है दैट इज यूस्पंजिया, यूस्पंजिया दैट इज कॉल्ड एज बाथ स्पंज। क्यों कहते हैं बाथ स्पंज, जनरली इन दीज पोरीफेरेंस, पोरीफेरा में क्या है द स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड स्पॉन्जिन फाइबर आर प्रेजेंट। इसमें जो स्केल्टल होता है द स्केल्टल सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइन्स होते हैं। लेकिन इन बाथ स्पंज दैट इज द यू स्पॉन्जिया स्पिक्यूल एबसेंट ओनली स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट। अब स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट रहेंगे स्पिक्यूल्स एबसेंट रहेंगे, तो इट इज सॉफ्ट एंड इट कैन बी यूज टू रब द स्किन ड्यूरिंग बाथिंग, तो इसलिए इसको कह देते हैं बाथ स्पंज, बाथ स्पंज। अब नेक्स्ट डायग्राम इज स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को सिंपल है आपको याद रखना है, फ्रेश वाटर स्पंज इज स्पॉन्जिला। अब लार्वा पूछ लेते हैं, द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन द पोरीफेरेंस, लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट, दो लार्वा प्रेजेंट रहते हैं। अब आपको याद रखना है इसके लिए प्लस PLAS, प्लस पी फॉर पैरेन्काइमुला लार्वा इज प्रेजेंट इन द ल्यूकोसोलेनिया एंड AS एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज प्रेजेंट इन द साइकन। तो इस प्लस से आपको लार्वा याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन टीनोफोरा, दिस सिलेंट्रेटा में चलेंगे, सिलेंट्रेटा और निडेडिया, निडेडिया क्यों कहते हैं बिकॉज नीडो ब्लास्ट प्रेजेंट इन दिस फाइलम, तो इसको कहते हैं निडेरिया फाइलम भी कह देते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है इसने डायग्राम दे रखा है जो ओरेलिया एंड एडेमसिया, ओरेलिया ये जो अम्ब्रेला लाइक एनिमल है
जो अम्ब्रेला लाइक एनिमल है इसको ओरेलिया या जेलीफिश कहेंगे, और ये जो एनिमल है इसको कह दिया एडम्सिया, और ये जो ओरेलिया दिस इज शोइंग द मेड्यूसा स्टेज एम्ब्रेला लाइक स्टेज, और पोलिप इज शोइंग द सिलेंड्रिकल स्टेज इसको कह दिया पोलिप। एडम्सिया में पोलिप स्टेज प्रेजेंट है और ओरेलिया में जो स्टेज प्रेजेंट है जो मेड्यूसा स्टेज प्रेजेंट है। अब इसमें आप सिंपल है, आप पोलिप स्टेज में देखो पोलिप स्टेज इज सेसाइल, ये सबस्ट्रेट है उसके साथ ये फिक्स रहेगी, मूव नहीं करेगी, लोकोमोशन इज एबसेंट, तो दिस पोलिप स्टेज इज इमोबाइल। तो इसमें आप देखोगे सिलेंड्रिकल है, बॉडी इज सिलेंड्रिकल, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, और यहाँ माउथ प्रेजेंट रहेगा सेंटर में, ये आप देख सकते हो। द प्लेस वेयर माउथ इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम, माउथ इज प्रेजेंट ओवर द हाइपोस्टोम, आपको पता है ये टेंट और ये टेंटिकल है, इनके टेंटिकल होलो हैं। और मेडूसा में आप देखोगे अम्ब्रेला लाइक स्टेज है, अम्ब्रेला लाइक इसकी बॉडी इज अम्ब्रेला लाइक, ये टेंटिकल्स हैं, दीज आर द टेंटिकल्स, और ये लार्ज आर्म्स प्रेजेंट है, इनको क्या कह देंगे ओरल आर्म्स, ये टेंटिकल्स नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज ओरल आर्म। इसमें माउथ इज प्रेजेंट वेंट्रली, माउथ वेंट्रली प्रेजेंट है, एनस एबसेंट होती है इनमें, एक ओनली माउथ इज प्रेजेंट। इसमें भी देखो आप यहाँ बॉडी बंद होगी, केवल माउथ प्रेजेंट है, ये माउथ जो ओपनिंग है यही माउथ और एनस का काम करता है, एक बिकॉज सिंगल ओपनिंग इन प्रेजेंट। अब इसमें अपने को स्पेशल स्ट्रक्चर जो अपन ने देखी दैट इज द नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट की स्ट्रक्चर थोड़ी सी देख लेते हैं। ये नीडोब्लास्ट ये जब स्टिंग नहीं हुई है तब की इसकी इमेज है, इसमें देखो ये फोल्डेड जो इसका ये स्टिंग है ये फोल्डेड स्टेज में प्रेजेंट रहता है, देखो बॉडी के अंदर, और ये होता है ट्रिगर इसका, इसको कह देते हैं नीडोसील, ये रहा नीडोसील, और ये ओपरकुलम मतलब इसका जो ढक्कन है इसने इसको कवर कर रखा है। व्हेन नीडोसील इज टच्ड विद एनी एनिमल तो ये ट्रिगर होगी, ट्रिगर होगा तो अंदर से ये पूरा स्टिंग बाहर निकल जाएगा, ये स्टिंग बाहर निकल जाएगा और एनिमल को पैरालाइज कर देगा, तो नीडोसील इज कॉल्ड एज ट्रिगर। अब यहाँ ये कैप्सूल्स को एक स्ट्रक्चर जोड़े रखती है इस सेल से, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लासो, ये आपको याद रखना है। अब देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो आपको क्या देखनी है, डाइजेशन इज बोथ इंट्रा सेलर एंड एक्स्ट्रा सेलर इन द सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर जो टीनोफोर है उसमें भी डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रा सेलर। एक्स्ट्रा सेलर पहले किसमें, जो ये कैविटी है इस कैविटी में पहले डाइजेशन हुआ, तो इस कैविटी को कहेंगे अपन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, पहले इसमें डाइजेशन हुआ, इसके बाद ये यहाँ सेल जो अंदर गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर सेल है उसके अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, बट फर्स्ट डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर देन डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर इन द सेल्स। अब आपको एक चीज जो याद रखनी है, निडेरियन द स्केल्टर स्केल्टन इज प्रेजेंट दैट इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दीज निडेरियंस आर कॉल्ड एज कोरल्स। उसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, जो इन द सिलेंट्रेटा ए स्पेशल फीचर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस दैट इज द एग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे, मेडूसा और जो पोलिप है ये अल्टरनेट आते रहेंगे, पहले पोलिप है, पोलिप से मेडूसा बन जाएगी, मेडूसा से पोलिप बन जाएगा, कैसे बनेगा ये देखो, ये पोलिप है, पोलिप एसेक्सुअल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस द मेडूसा, एंड मेडूसा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस द पोलिप, तो दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। इसको खास बात है ये किसमें प्रेजेंट रहेगी, सिलेंट्रेट्स में, ओवेलिया एंड फाइसेलिया। अब सिलेंट्रेट के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, फाइसेलिया दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, एडम्सिया अपन ने अभी डायग्राम देखा था सी एनीमोन, पेनिटिला ये पेन की तरह होता है इस तरह से, ये गोरगोनिया फैन की तरह होता है इस तरह से सी फैन, पेनिटुला सी पेन, मीएंड्रिना ब्रेन की तरह शेप होती है इसकी, तो ब्रेन कोरल कह देंगे। नेक्स्ट
फाइलम में चलेंगे टीनोफोरा। टीनोफोरा का खास बात आपको जो याद रखनी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट इज एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम इज टीनोफोरा। अभी तक जो पहला फाइलम जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, दैट इज द टीनोफोर। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, स्मॉलेस्ट फाइलम, सबसे कम एनिमल है इसमें, स्मॉलेस्ट फाइलम। अभी इनका खास नाम सी वॉलनेट और कॉम जेलीज। अब इसकी स्ट्रक्चर आप देखो, ये स्ट्रक्चर है। इसमें खास बात, ये ग्रीन कलर्ड जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं, दैट इज द कॉम प्लेट्स। कॉम प्लेट्स हैं, इस पे सीलिया भी प्रेजेंट रहते हैं, इनको कह देते हैं सीलिएटेड कॉम प्लेट्स। इसका फंक्शन क्या है आपको याद रखना है, लोकोमोशन। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, बायोल्यूमिनिसेंस, दैट इज द प्रॉपर्टी टू इमिट लाइट। व्हेन लाइट इज इमिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन इट इज कॉल्ड एज बायो ल्यूमिनिसेंस। अब इसमें ये दो टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, बट इसके टेंटिकल्स और हाइड्रा के, सिलेंट्रेटा के टेंटिकल्स में फर्क क्या है, दीज टेंटिकल्स आर ट्रू एंड सॉलिड, बट इन सिलेंट्रेट्स टेंटिकल्स आर मोर बट होलो। अब नेक्स्ट फाइलम में अपन चलते हैं, दैट इज द प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज में अपने को जो देखना है, इनको कहते हैं फ्लैट वर्म्स, मोस्टली आर एंडोपैरासाइट। अब आपको याद जो रखना है, दैट इज द बाईलेटरल सिमेट्री स्टार्ट फ्रॉम द प्लेटी हेलमिंथीज। इससे पहले टीनोवोरा था, वो जो हाँ रेडियल सिमेट्रिकल था, सिलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्रिकल था, स्पॉन्ज एसिमेट्रिकल थे। उसके बाद में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द प्लेटी हेलमिंथीज। उसके बाद में आपको याद रखना है, फर्स्ट टाइम जो सिफिलाइजेशन है, दैट इज आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द प्लेटी हेलमिंथीज। अब इसने डायग्राम जो दे रखा है, फर्स्ट डायग्राम दे रखा है टेप वर्म। ये देखो, ये टेप लाइक जो दिखेगा, एक लॉन्ग टेप लाइक दिखेगा, इसको कह दिया टेप वर्म। अब इसको बड़ा करके अपन देखें, देखो आप इसको अगर बड़ा करके देखते हैं अपन, इसके एंटीरियर एंड को बड़ा करके देखो तो ऐसे दिखेगा। ये एंटीरियर एंड इज कॉल्ड एज स्कोलेक्स। इसको क्या कहेंगे, स्कोलेक्स। स्कोलेक्स में देखो 1, 2, 3 और एक इसके पोस्टीरियर पार्ट में 4 सक्कर्स आर प्रेजेंट। ये सक्कर्स है और यहाँ हुक्स प्रेजेंट हैं, सक्कर्स एंड हुक्स आर प्रेजेंट। सक्कर्स एंड हुक क्या शो करते हैं, इट्स पैरासाइटिक नेचर। सक्कर्स सक करके वहाँ चिपके रहते हैं, हुक्स होल्ड रखते हैं अपने आप को ताकि ये इसको चिपकाए रखे, जो एज ए इन बॉडी ऑफ होस्ट की बॉडी के अंदर इसको चिपकाए रखे। अब ये इसका पार्ट नेक और ये इसको जो सेगमेंट्स प्रेजेंट है इसको कह देंगे स्ट्रोबिला। अब स्ट्रोबिला में अपने वो खास चीज जो देखनी है, जो लास्ट सेगमेंट्स हैं, दैट आर कॉल्ड एज मेच्योर प्रोग्लोटिड। मेच्योर प्रोग्लोटिड कह देते हैं बिकॉज इन दिस प्रोग्लोटिड यूट्रस इज प्रेजेंट विच इज फिल्ड विद फर्टिलाइज्ड एग। अब यहाँ फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, तो ये जो ओल्ड सेगमेंट्स हैं, जो लास्ट में सेगमेंट हैं, दे आर ब्रोकन डाउन एंड सेपरेटेड फ्रॉम, रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड पास्ड इन द फीसेज, जो स्टूल में ये पास हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एपोलाइसिस। ये आपको याद रखना है, एपोलाइसिस। अब इसका दूसरा डायग्राम, लीवर फ्लूक फेसियोला हिपेटिका, ये डायग्राम है। अब इसमें ये यहाँ शक्कर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ओरल शक्कर ऑन एंटीरियर एंड, वहाँ माउथ भी प्रेजेंट है। इस शक्कर से ये शक करता है, जो न्यूट्रिशन या फूड अपना शक करता है। उसके बाद में ये वेंट्रल शक्कर है, इससे ये अपने आप, इससे ये चिपका रहता है एज ए पैरासाइटिक नेचर की वजह से, ये होस्ट में चिपका रहता है। अब अपने इसमें आपको याद रखना है, प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन मतलब ये दोबारा पूरा प्लेनेरिया बना देगा अगर इसे काटते हैं तो। प्लेनेरिया का डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये प्लेनेरिया है, ये इस तरह से, ये आपको याद रखना है, हाई रीजनरेशन पावर इज प्रेजेंट इन द प्लेनेरिया। अब इसमें ये जो है, दैट इज द माउथ, और आपको पता है प्लेटी हेलमिंथीज आल्सो हैव द ओनली सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट इन जीआईटी, ओनली माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज एब्सेंट। तो ये माउथ है, इसी से ये फूड अंदर लेगा और इसी से ये बाहर निकालेगा। दिस ओपनिंग इज वर्क एज बोथ
एनस एंड माउथ, ये आपको याद रखना है, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, एस्केलेमेथीज। एस्केलेमेथीज का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, ओनली वन फाइलम विच हैज स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोमेट एनिमल। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, एक्सक्रीशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्लेटी हेलमेथीज में एक्सक्रीशन इज बाय फ्लैम सेल, प्लेटी हेलमेथीज में। एस्केलेमेथीज की बात नहीं कर रहा मैं, प्लेटी हेलमेथीज का एक्सक्रीशन बाय फ्लैम सेल, बट इन एस्केलेमेथीज एक्सक्रीशन बाय एच शेप्ड सेल कॉल्ड एज रेनेट सेल, एक्सक्रीशन बाय एच शेप सिंगल सेल, एक ही सेल से बने होता है ये, उसको कहेंगे रेनेट सेल। अब देखो आप, अब एस्केलेमेथीज में राउंड वर्म एस्केरिस दे रखा है, ये एस्केरिस की इमेज है। दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, देखिए दोनों की स्ट्रक्चर अलग है। मेल इज सिलेंड्रिकल एंड स्मॉल एंड स्ट्रेट, फीमेल इज लॉन्ग एंड कर्व्ड एट पोस्टीरियर एंड। तो इसका मतलब दोनों में अलग अलग अपन बाहर से देख के पहचान सकते हैं, जिसका एंड कर्व्ड हो दैट इज फीमेल, जिसका स्ट्रेट हो दैट इज मेल, इसको बाहर से देख के पहचान सकते हो। अब फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, जो लॉन्गर है दैट इज फीमेल, आप पहचान सकते हो। अब दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म, इन एस्केरिस सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म इज प्रेजेंट, एस्केरिस में सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म प्रेजेंट होती है। उसके अलावा आपको क्या देखना है, ये स्मॉल, जो ये स्मॉल इस तरह से एंड पर ये स्मॉल दिख रहे हैं, जो स्पाइक्स दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज पीनियल सिटी, पीनियल सिटी प्रेजेंट ओनली इन, पीनियल सिटी प्रेजेंट ओनली इन मेल एस्केरिस, फीमेल में एब्सेंट है। ये देखिए फीमेल में कोई पीनियल सिटी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं, दैट इज डायग्राम ऑफ एनेलिड्स, दैट इज द नेरीज एंड हिरुडिनेरिया। ये नेरीज का डायग्राम है, ये नेरीज का डायग्राम है, सिंपल है, इसको कुछ नहीं याद करना है इसमें। ये टेंटिकल्स दे रखे हैं, दीज आर द पैरापोडिया, ये पैरापोडिया इंपॉर्टेंट है। पैरापोडिया आर ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, दैट इज दे हेल्प इन लोकोमोशन दैट इज बाय स्विमिंग। जो नेरीज है जो सी में रहेगी, और ये पैरापोडिया स्विमिंग करने में मदद करते हैं। और इसमें आपको सेकंड डायग्राम दे रखा है, जो हिरुडिनेरिया दैट इज लीच का डायग्राम दे रखा है। इसमें यहाँ एंटीरियर शक्कर होता है एंटीरियर एंड पे, यहाँ पोस्टीरियर शक्कर होता है एंटीरियर एंड से, ये सक करती है न्यूट्रिशन और पोस्टीरियर एंड से अपने आप को होल्ड करती है, जो होस्ट में होल्ड करे रखती है अपने आप। अब आपको इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, जब मसल्स लॉन्गिट्यूडिनल या सर्कुलर मसल हेल्प्स इन द लोकोमोशन, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल हेल्प इन द लोकोमोशन, लेकिन जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म में लोकोमोशन के लिए सीटी काइटिनस सीटी आर प्रेजेंट, एंड नेरीज में लोकोमोशन के लिए पैरापोडियाज आर प्रेजेंट। इन द लीच पैरापोडियाज एंड सीटी आर एबसेंट, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, एनलिड्स के बाद में ऑर्थ्रोपोड, ऑर्थ्रोपोड में दो दो क्लासेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीन क्लासेस। इंसेक्टा, इंसेक्टा दैट इज द हेक्सापोडा, हेक्सापोडा मतलब, हेक्सा मतलब सिक्स, पोडा मतलब लेग्स, जिसमें सिक्स लेग मतलब थ्री पेयर ऑफ लेग्स। तो यहाँ आप देख रहे हो पहला ग्रास ऊपर में ये थ्री पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है, ये इंसेक्टा का मेंबर है। अब ऐसे बटरफ्लाई में थ्री पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है, तो ये भी इंसेक्ट है। इस एक चीज आपको और याद रखनी है, इन इंसेक्ट्स बॉडी इज डिवाइडेड इन हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन, बॉडी इज डिवाइडेड इन हेड थोरेक्स एंड एब्डोमन, तो इंसेक्टा में ये होता है। अब आप ये डायग्राम जो देख रहे हो दैट इज द डायग्राम ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड हेड अलग से नहीं होता, दिस इज कॉल्ड एज हेड एंड थोरेक्स आर फ्यूज्ड, दिस इज कॉल्ड एज सिफेलोथोरेक्स एंड दिस इज एब्डोमन। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमन, इन एब्डोमन लास्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज टेल्सन, इन लास्ट सेगमेंट स्टिंग इज प्रेजेंट, इसी से ये स्टिंग करता है दूसरे एनिमल्स को, इस लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट को कहेंगे टेल्सन।
अब ये डायग्राम जो अजीब सा डायग्राम दे रखा है, दैट इज डायग्राम ऑफ प्रोन। इसको बड़ा करके देखते हैं। प्रोन, इसमें ये शुरू वाले लेग्स दे रखे हैं, दीज लेग्स आर कॉल्ड एज वॉकिंग लेग्स। और उसके बाद ये लेग्स दे रखे हैं जो अब्डोमन पे है, इनको कहेंगे प्लियोपोड्स और स्विमिंग लेग्स। ये स्विम करने के काम आती है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, बॉडी इज डिवाइडेड इंटू सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इनमें पता ही है। इंसेक्ट्स में मेनली ये जो ग्रास ऑफर है इनमें, और जो बटरफ्लाई है इसमें जो आईज होती हैं इंसेक्ट में, कंपाउंड आईज होती हैं, तो आपको ध्यान है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो एग्जांपल दे रखा है लोकस्ट, लोकस्ट इज ग्रीगेरियस पेस्ट, बट एपिस हनी बी एंड टर्माइट्स आर कॉलोनियल एनिमल, कॉलोनियल आर्थ्रोपोड्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? ग्रीगेरियस मतलब ग्रुप में, द एनिमल विच प्रेजेंट इन ग्रुप, ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, बट डिवीजन ऑफ लेबर इज एबसेंट। कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, सभी अलग अलग काम करेंगे, तो इसको कहेंगे ग्रुप, ग्रीगेरियस कह देंगे। बट हनी बी में या टर्माइट्स में देखोगे, इसको कहेंगे कॉलोनी, बिकॉज वर्क इज डिवाइडेड, डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट, दैट इज दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज कॉलोनियल। अब नेक्स्ट फाइलम में चलेंगे, मोलस्का। मोलस्का में जो बॉडी है, दैट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल लैम। ये इस डायग्राम में देखिए, ये तो हो गया हेड, और ये हो गया फुट, और ये हो गया विसरल हैम। और ये किससे कवर्ड रहता है? दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट शेल। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ देख रहे हो ये माउथ, ये माउथ है, माउथ में यहाँ देख रहे हो बक्कल के पेटी में रेड्यूला, दैट इज द रास्पिंग ऑर्गन, क्रश करने वाला ऑर्गन प्रेजेंट है, जो फीड करने के काम आता है, फीडिंग में काम आता है। ठीक है, अब इसका कंप्लीट डायग्राम अपन देखते हैं। अब इसमें आप देखो, ये इसने क्लियरली दे रखा है, दिस इज रेड्यूला। ये यहाँ देखिए आप, ये देखो रेड्यूला पे इस तरह से स्पाइंस प्रेजेंट है, इससे ये क्रश कर देता है किसी भी एनिमल को जिस पे इसने फीड करना है उसमें। और इसमें आपको याद रखना है, फाइल लाइक दिस रास्पिंग ऑर्गन इज प्रेजेंट फॉर फीडिंग, दिस इज कॉल्ड एज रेड्यूला। और आपको याद रखना, फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, ये देखिए ये फीदर लाइक गिल आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी, दिस फीदर लाइक गिल आर हेल्प्स इन द दिस हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। रेस्पिरेशन भी करेंगे, एक्सक्रीशन भी करेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन लास्ट फाइलम में चलते हैं, इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स जो टीनोफोर हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मैंने बता दिया। अब टीनोफोरा के बाद में द इकाइनोडर्मेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये आपको याद रखना है। पूछते हैं टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज़, जो क्वेश्चन आता है वो क्या ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेट्स आर रेडियल सिमेट्रिकल इन अडल्ट फेज, बट लार्वा आर बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल। उसके बाद में आपको याद रखना है, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट दैट हेल्प्स इन द लोकोमोशन, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये आपको याद रखना है, ये डायग्राम दे रखा है। फर्स्ट डायग्राम इज एस्टेरियास, दैट इज सी स्टार। सेकेंड डायग्राम इज ओफियोरा, दैट इज ब्रिटल स्टार। कैसे याद रखोगे? ये देखो पतला सा जो डायग्राम दिख रहा है, जैसे कि अपन इसको हाथ लगाएं, अभी ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रिटल है ये, इसलिए इसको कह देंगे ब्रिटल स्टार और ओफियोरा। और ये स्टार कितने दिख रहे हैं? दैट इज स्टार फिश और एस्टेरियास। अब आपको याद रखना है, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट है? इकाइनोडर्मेट्स में, बट वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनल सिस्टम इज प्रेजेंट इन द दिस पोरीफेरा। देखो यहाँ देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनल सिस्टम इज प्रेजेंट इन द पोरीफेरा, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन द इकाइनोडर्मेटा। आपको इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है, ये बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। अब देखो, दिस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनल सिस्टम हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन।
ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक, आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आएंगे इस चैनल पे।